So, क्या बोलती पब्लिक, क्या हलचल। वेलकम बैक वंस अगेन इन अनदर वीडियो ऑफ Apex Legends मोबाइल। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ पाथफाइंडर के बारे में, जो कि मुझे ऑलरेडी रेकमेंड किया था कि पाथफाइंडर का गाइड बनाओ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद पाथफाइंडर। पहली चीज अगर मैं पाथफाइंडर के बारे में बोलूंगा तो वो है स्पाइडरमैन। यस, पाथफाइंडर बिल्कुल एक स्पाइडरमैन के तरह वर्क करता है इस गेम का, क्योंकि उसकी सेकेंड एबिलिटी जो है उसकी टैक्टिकल एबिलिटी, जो कि बिल्कुल उसको स्पाइडरमैन बनाती है। बट अगर पाथफाइंडर को आपको सीखना है तो सीरियसली आपको बहुत उससे ग्राइंड करना पड़ेगा, क्योंकि पाथफाइंडर बिगिनर्स के लिए नहीं है। अगर आप पाथफाइंडर लेते हो स्टार्टिंग में और उसकी आदत नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, जो कि मैंने फेस किया। क्योंकि अगर आप पाथफाइंडर से प्रैक्टिस कर ली और परफेक्ट हो गए तो पूरा एनिमीज को नचा सकते हो आप यहाँ से वहाँ, सीरियसली बोलूंगा। तो ये चीज है पाथफाइंडर के बारे में जो कि पहले इंपॉर्टेंट लगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एबिलिटीज। ओके, पहले ओवरऑल एबिलिटीज देख लेते हैं। तो पहली एबिलिटी है पैसिव एबिलिटी, वो है इनसाइडर नॉलेज। सेकेंड एबिलिटी है वो है टैक्टिकल एबिलिटी, जो कि है ग्रैपल। और थर्ड है वो है जिपलाइन, जो कि अल्टीमेट एबिलिटी। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पैसिव एबिलिटीज फर्स्ट, जो कि है इनसाइडर्स नॉलेज। ओके, सुनने में तो ये बहुत ही फालतू एबिलिटी लगती है, लेकिन ऐसे फालतू नहीं है, बहुत ही यूज है इसका। बाकी लीजेंड्स की तरह ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट नहीं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जाके आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। लाइक मैप में आपको कहीं पर सर्वर बीकन्स दिखेंगे, लाइक ऐसे टावर दिखते हैं थोड़े, तो वहां पर जाके ये एबिलिटी एक्टिवेट करने पड़ती है। तो ये एबिलिटी एक्टिवेट करने पर आपको नेक्स्ट जोन प्रेडिक्ट होता है, जो कि मैप को आपको ग्रीन कलर में बता देगा, आपको नेक्स्ट जोन बता देगा। सेकंड बेस्ट थिंग अबाउट दिस एबिलिटी इज दैट कि ये आपका अल्टीमेट कूलडाउन, जो कि जिपलाइन गन है, उसका पूरा कूलडाउन रिड्यूस कर देता है। तो ये चीज बहुत फायदा होता है। तो मैंने आपको बोला था कि ये फालतू एबिलिटी नहीं है एक्चुअली। अगर आप कॉम्पिटिटिव खेल रहे हो, आपको नेक्स्ट जोन प्रेडिक्ट हो गया, तो आप उससे स्ट्रेटेजीज बना सकते हो। प्लस आपको जिपलाइन जो है वो कूलडाउन हो जाता है, एंड आप जिपलाइन यूज करके पूरा आप स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकते हो, आप और आपको टीममेट से लेकर लाइक पूरा रोटेशन बिल्ड कर सकते हो आप। तो ये मैं बोल रहा था कि ये फालतू एबिलिटी नहीं है, बहुत बहुत यूजफुल हो जाता है एक कॉम्पिटिटिव सिनारियो में, तो बहुत बहुत यूजफुल हो जाता है ये। तो ये थी पहली एबिलिटी, जो कि थी इनसाइडर नॉलेज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेकंड एबिलिटी, जो कि एक ग्रैपल है। इसमें आप ग्रैपलिंग हुक फायर कर सकते हो, लाइक 20 मीटर तक आप ग्रैपलिंग हुक फायर कर सकते हो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट एबिलिटी है पाथफाइंडर की। इससे आप स्पाइडरमैन बन सकते हो, लाइक आप किधर भी हुक अटका सकते हो, एंड या इससे आप डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हो, लाइक आप वॉल पर शूट कर सकते हो, किधर भी कोई भी ऑब्जेक्ट पर शूट कर सकते हो 20 मीटर तक। एंड यस, बेस्ट थिंग अबाउट दिस एबिलिटी है ये आप एनिमीज पर भी शूट करके आप एनिमीज को अपने पास खींच सकते हो। द सेकेंड थिंग अबाउट दिस एबिलिटी है लाइक इसमें आप मूवमेंट पैड भी यूज कर सकते हो, लाइक आपका डायरेक्शन चेंज करने के लिए, एंड या थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए आप यूज कर सकते हो। सेकेंड थिंग, जंप बटन भी यूज कर सकते हो आप, जिससे आप थोड़ा हाई पे भी चले जा सकते हो। तो दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस एबिलिटी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अबाउट दिस एबिलिटी इज दैट कि इस एबिलिटी को बहुत प्रैक्टिस लगती है। लाइक बहुत बार ऐसे हो जाता है कि आप ग्रैपल करोगे और ग्रैपल नहीं होगा, सीरियसली। लाइक ये आप देख रहे हो बीच में ब्लू सर्कल है, ब्लू सर्कल यानी कि आप इजीली ग्रैपल कर सकते हो, और यही सर्कल आपको अगर ग्रे दिखता होगा तो आप उसको ग्रैपल नहीं कर सकते हो। तो इसलिए मैंने बोला था कि प्रैक्टिस बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत बार ऐसे हो जाता है कि आप ग्रैपल करने जाते हो लेकिन ग्रैपल होता नहीं है। तो ये है सेकंड एबिलिटी, जो है टैक्टिकल एबिलिटी ग्रैपल। अब चलते हैं फाइनल एबिलिटी, जो कि अल्टीमेट एबिलिटी की तरफ। सो द लास्ट एबिलिटी जो कि अल्टीमेट एबिलिटी, ये है जिपलाइन गन। ये एक 150 मीटर लॉन्ग रेंज तक आप एक जिपलाइन शूट कर सकते हो, लाइक ये किधर भी शूट कर सकते हो आप, वर्टिकल वॉल पर, लाइक घर पर, या किधर भी कौन से भी चीज पर आप शूट कर सकते हो। एंड या इसको आप और आपके टीममेट और हाँ आपके एनिमीज भी यूज कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखना। सो ये है फाइनल एबिलिटी, जो कि है जिपलाइन गन, एक अल्टीमेट एबिलिटी। और ये एबिलिटी आपके पैसिव एबिलिटी से सही वर्क करती है। लाइक आप सर्वर बीकन पर जाके स्कैन करोगे एंड जोन डिटेक्ट करोगे तो ये एबिलिटी लाइक वहां पर डायरेक्ट कूल डाउन होती है। एंड या सीरियसली आपको रिपोजिशन करने में बहुत बहुत हेल्प करती है ये एबिलिटी। तो ये थे फिलहाल के लिए आज के लिए पाथफाइंडर का गाइड। एंड या सीरियसली मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय गाइज।